भदरवास जनपद पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन कामधेनु साबित हो रहा है। इस मिशन के तहत सरकार द्वारा दिए गए पैसों का भरपूर लाभ ब्लॉक समन्वयक एवं रोजगार सहायक और अपात्रों द्वारा लिया गया है। शौचालय निर्माण का लाखों करोड़ों रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान अपात्रों को किए जाने की चर्चा आम होती जा रही है। इस मिशन को अमली जामा पहनाने वाले जिम्मेदार लोगों द्वारा खूब घपले घोटाले व मनमानी किए जाने की खुसुर फुसुर अब सार्वजनिक रूप से विरोधी स्वर के रूप में मुखरित होने लगी है। एक ही संयुक्त परिवार विघटित बताकर 4 से 6 शौचालय का पैसा दिया गया है। यह कार्य अब भी बदस्तूर जारी है। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भदरवास जनपद की ग्राम पंचायत बामोर कला में हर तरफ सरकारी धन की मची लूट से परिलक्षित हो रहा है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। रक्त बीज असुर की तरह ना तो यह समाप्त हुआ है और ना कभी समाप्त होगा, अपितु समय के साथ हजारों गुना बढ़ता ही जाएगा। निजी क्षेत्र में होता तो इस मिशन को संस्था के रूप में संचालित करने वालों पर विधिक कार्यवाही भी होती, परंतु इस मिशन के सरकारी नियंत्रण में होने की वजह से इस पर कोई कार्यवाही भी संभव नहीं बताई जाती। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना में उनके द्वारा देखे गए स्वच्छ भारत के सपने को भ्रष्टाचार में लिप्त ब्लॉक समन्वयक व सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और भी कई अधिकारी दीमक की तरह चाट रहे हैं। भदरवास जनपद क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बामोर कला रोजगार सहायक महावीर यादव व ब्लॉक समन्वयक के बारे में बताया जाता है कि इनकी आपसी साठगांठ व धनकमाऊ नीति से स्वच्छ भारत मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आए दिन दूर दराज के ग्रामीणों द्वारा ऐसी शिकायतें की जाती है जिनसे परिलक्षित होता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में सर्वथा अक्षम है। कई ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट, चौपाई में राम नाम की लूट के बारे में कहा, ठीक उसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत पैसों की लूट मची हुई है। महावीर यादव ने लिए पैसे। ग्राम पंचायत बामोर कला के कुछ हितग्राहियों ने शौचालय बनाए लेकिन उनको शासन के द्वारा दी जाने वाली राशि के लिए रोजगार सहायक महावीर यादव को 2,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी, तब जाकर वह राशि हितग्राहियों को मिल पाई। भदरवास से दिनेश यादव की रिपोर्ट।